ऑल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध में पुलिस प्रशासन रेलवे स्टेशन पर अलर्ट दिखाई दिया। आगरा के सैया जाजू रेलवे स्टेशन और आगरा देहात के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड, टोल प्लाजा पुलिस बल अलर्ट रहा। खैरागढ़ उप जिला अधिकारी अनुज नेहरा, क्षेत्राधिकारी महेश कुमार जाजू रेलवे ट्रैक पर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अग्निपथ विरोध के चलते खैरागढ़ राजस्थान सीमाओं पर खैरागढ़ पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। वही खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया जनपद के राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर के समीप दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, इस दौरान एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शमसुद्दीन अंसारी पुत्र मसुद्दीन अंसारी के तौर पर हुई है, जो कि रामनगर के निवासी हैं। वहीं मौत की खबर मिलते ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि दूसरे बाइक सवार की पहचान गोरखपुर जिले के थाना गगहा गांव मठिया का निवासी निरहू व सनी देओल के रूप में हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में उतरे युवाओं को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इस दौरान एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया गया। हापुड़ में शनिवार को कुछ युवा भर्ती योजना के खिलाफ मैदान में उतरे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। रास्ते में ही प्रदर्शनकारी युवाओं को हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा और उप जिलाधिकारी श्रद्धा ने उनके साथ पिलखुआ चौकी बस अड्डा पर रोका। उसके बाद प्रदर्शनकारियों का मुंह मीठा कराया गया और उसके बाद उन्हें शांत कराकर वापस घर भेज दिया गया। इधर झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। छानबीन में घटना को अंजाम देने वाला पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है। हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी ने पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं। लक्सर में पिपली पुल के पास एक ट्रक और एक डीसीएम को आमने सामने इन दोनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर आपको बता दें कि रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार डीसीएम सुल्तानपुर से लक्सर की ओर आ रहा था, जबकि सीमेंट से भरा ट्रक लक्सर से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों पिपली पुल के पास पहुंचे तो ट्रक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और डीसीएम को सीधे टक्कर मार दी, जिसके बाद डीसीएम ड्राइवर को गंभीर चोटें आई और ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। लक्सर के पुलिस कर्मी ने आपको बता दें, अंकुश शर्मा ने बताया है कि दोनों वाहनों की भिड़ंत में एक वाहन के ड्राइवर की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। सूचना मिली थी कि दो ट्रकों का आपस में पिछली पुल के बाद एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ मौके पे आए हैं तो एक डीसीएम और एक ट्रक जो खड़ा हुआ है, इनकी आपस में टक्कर हो गई है और जो डीसीएम का जो चालक है उसको जो है हायर सेंटर के लिए यहाँ से भिजवा दिया। सहारनपुर में केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के नाम पर लागू की गई अग्निवीर योजना का युवाओं ने पुरजोर विरोध किया है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सहारनपुर में भी युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए रक्षा मंत्री को संबंधित एक मांग पत्र
मजिस्ट्रेट को सौंपा है। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवाओं की मांग है कि इस योजना को सरकार वापस ले, क्योंकि इस योजना ने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और तैयारी कर रहे युवाओं का मनोबल भी टूट जाएगा। युवाओं ने कहा है कि सरकार यदि इस TOD योजना को वापस नहीं लेती है तो वो अपनी मांगों को लेकर विशाल प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने एक अग्निपथ योजना के संबंध में ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, जिसको उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को किस तरीके से, हाँ ठीक है, शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने ज्ञापन दिया है, हमने उनसे निवेदन किया है कि आप लोग अनुशासित रहिए और हम ज्ञापन पहुँचा देंगे। यूपी के शाहजहांपुर में एक सरफिरे आशिक ने घर में घुसकर मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल बेटी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सरफिरा युवक घायल बेटी को कुरान पढ़ने घर पर आता था। फिलहाल सरफिरा युवक हमला करने के बाद घर में ताला डालकर फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। इधर केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय लोक दल यानी कि RLD ने दर्जनों कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें, सदर विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति के नाम SDM सदर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि अब खबर आ रही है जहां पर सोनवा CHC के लैब कर्मी विगत फरवरी माह से BSL लैब कर्मियों को नहीं मिला है मानदेय। आपको बता दें कि मानदेय नहीं मिलने को लेकर लगातार अब यहां पर दुख जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आर्थिक तंगी के चलते कर्मियों को मानदेय नहीं मिला है। अब आर्थिक तंगी को लेकर यहां पर कर्मी जो है वो खास तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं, दो बार ये गुहार लगा चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर अब उन्होंने CMO को पत्र देकर मानदेय दिलाने की गुहार लगाई है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक स्थलों के कायाकल्प में कोई असर नहीं छोड़ना चाह रही है। आपको बता दें कि किसी भी तरह की कसर यहां पर सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है, जिसके तहत सभी जिलों के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण के साथ ही कायाकल्प भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जनपद श्रावस्ती के जिला मुख्यालय भिनगा में स्थित सर्वा माई धाम के कायाकल्प की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अजय आर्य ने पूजन कर सौंदर्यकरण की शुरुआत की है। वही पुरानी रंजिश और प्रधानी चुनाव में शोहरतगढ़ विकास खंड के महमूदेवा ग्रांट पोस्ट अतरी बाजार के पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में किसी बात को लेकर कहासुनी के दौरान लाठी डंडों से हुई जमकर मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों को इस दौरान काफी चोटें आई हैं। ये वीडियो आपको TV स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है, लाठी डंडे भी चले हैं। दोनों पक्षों में कई तरीके की चोटें आने की भी बात कही जा रही है। सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के अतरी बाजार का ये वीडियो बताया जा रहा है, और ये वीडियो आज ही का बताया जा रहा है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पिंडर घाटी के कौब गांव की हसीन वादियों में इन दिनों गढ़वाली एल्बम उर्मा भग्यानी को फिल्माया जा रहा है, जिससे कौब गांव में इन दिनों लाइट कैमरा एक्शन और कट जैसे सिनेमा जगत के प्रचलित शब्दों का इनको तेजी से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध मुसलसल जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी अग्निपथ योजना का युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। युवाओं के विरोध को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान अशोक कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को न सिर्फ अलर्ट रहने के निर्देश दिए बल्कि कोचिंग सेंटर संचालकों एवं प्रदर्शनकारी युवाओं से वार्ता करने और ये सुनिश्चित करने की बात कही है जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति में शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। इसी को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए हैं। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि अगर युवाओं को प्रदर्शन करना है तो वो लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से करें, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करें। साथ ही इन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, लिहाजा इसको नुकसान ना पहुंचाएं। उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वो एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके तहत वो देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत, अभियान के तहत 70 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।